हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी एच क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम जो डी एस एस बी के अंदर 2014 में स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड पेपर हुआ था उसके पार्ट जो टू के क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 101 से 125 के जो क्वेश्चंस थे उनको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड हर्टमैन्स डिजीज, हैंसेंस डिजीज, लंपेरिस डिजीज या हैरिस डिजीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद स्किन पैचेस कॉज ड्यू टू लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के कारण जो स्किन पैचेस हो जाते हैं तो उनमें से मेन कौन सा फीचर होता है इसका। तो दैट ऑप्शन ए इज लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर अफेक्टेड स्किन। तो उसका करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा कि जो अफेक्टेड स्किन में या स्किन पैचेस होते हैं उसके अंदर लोगों की सेंसेशन नहीं आ पाती और अफेक्टेड जो स्किन होती है जहाँ पर लेप्रोसी होती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में से इनका कौन सा एग्जाम्पल है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंटेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेक्चुअल डिसेबिलिटी आइडिया कौन सा एग्जाम्पल है, तो वो है MR, मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट इज, लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलवेज समटाइम्स नेवर इन कैलकुलेशन। तो जो लर्निंग होती है वो हमारी हमेशा मतलब ऑलवेज डिपेंड होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट इज, एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से, MR नहीं है, डिसलेक्सिया नहीं है, ADHD नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, एक एग्जाम्पल है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का। नेक्स्ट इज, इन लर्निंग डिसेबिलिटीज द नेम फॉर मैथमेटिकल डिसऑर्डर। मैथमेटिकल डिसऑर्डर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, क्या नाम दिया गया है लर्निंग डिसेबिलिटी में, तो वो दिया गया है डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग में अकर इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उसके अंदर कौन सा इनमें से जो ऑप्शंस लिखे हुए वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो दैट इज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच, ठीक है, डिफ़िकल्टी लर्निंग न्यू वर्ड्स ये भी हो सकता है, और डिफ़िकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड्स। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है वो ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कॉज ऑफन एसोसिएटेड विद फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो जो फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसमें से इनमें से फिजिकल कौन सा कॉज एसोसिएटेड कंडीशन में नहीं देखने को मिलती, तो वो होता है स्मॉल फ्रंटल लोब्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक यूज टू एड्रेस शटरिंग। जो शटरिंग होती है उसको एड्रेस करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, तो वो होती है हमारी प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिफाइन इंटेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हम कौन से क्राइटेरिया पे फोकस करेंगे। सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेक्चुअल फंक्शनिंग, तो ठीक बात है। इम्पेयरमेंट इन अडेप्टिव फंक्शनिंग जनरली, तो ठीक है ये भी। दिस डिफेक्ट शुड बी मैनिफेस्ट बिफोर द एज ऑफ 18 साल या 18 ईयर्स। तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये 18 साल से पहले ही देखने को मिल जाएंगे। तो इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म एक्सेप्ट। जो ऑटिज्म है इनके साथ तीन ऑप्शन मतलब कि इसमें ऑटिज्म से रिलेटेड दे रखे और एक ऑटिज्म के बारे में नहीं है बात, तो वो कौन सा है वो फाइंड करना है। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, ऑनसेट आफ्टर 6 ईयर। इसमें कह रखा है जो ऑटिज्म होता है वो 6 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होता है, तो ये गलत बात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज, व्हाट इज हिडन डिसेबिलिटी। हिडन डिसेबिलिटी क्या होती है, समवन हु इज़ फियरफुल ऑफ गोइंग आउटसाइड ऑफ देयर हाउस, तो नहीं ये नहीं होता। अ डिसेबिलिटी दैट इज़ नॉट ऑब्वियस बाय लुकिंग एट समवन। तो हिडन डिसेबिलिटी यही होती है कि आप उसे देख के नहीं पता लगा सकते कि किसी को हिडन डिसेबिलिटी है या फिर डिसेबिलिटी है या नहीं, तो वही होती है हिडन डिसेबिलिटी। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिडन डिसेबिलिटी, इनमें से हिडन डिसेबिलिटी का कौन सा एग्जाम्पल है, तो दैट इज ऑटिज्म भी एक हिडन डिसेबिलिटी है, ADHD भी हिडन डिसेबिलिटी है और बाइपोलर भी हिडन डिसेबिलिटी है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड समवन विद अ कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, अगर आप किसी की बात नहीं समझ पाते जिसे कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट है तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट इज इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड समवन विद कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, डू नॉट आस्क द पर्सन टू रिपीट व्हाट दे सेड बिकॉज दे माइट ऑफेंड देम। तो पहला है कि आप उनको रिपीट करने के लिए ना कहो कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ऑफेंड हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट इज जस्ट प्रिटेंड यू अंडरस्टैंड देम एंड होप यू गेस्ट व्हाट दे सेड, और क्या कहते हैं नेक्स्ट इज कि आप प्रिटेंड कर लो कि आपको समझ में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज पोलाइटली आस्क द पर्सन टू रिपीट व्हाट दे सेड, उन्हें पोलाइटली प्यार से उन्हें कहो कि भाई क्या कहा है आपने, और उसे एक बार रिपीट कर दो कि जो उसने कहा है कि भाई आपने जो समझा और उसने जो कहा वो सेम है या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज इफ़ यू फाइंड अ स्टूडेंट वियरिंग सम ऑड ड्रेस यू विल, एक बच्चे को आपने देखा क्लास में ऑड या फिर अलग तरीके की ड्रेस पहन के आया, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, आस्क स्टूडेंट नॉट टू अटेंड द क्लास, नहीं मेक अ जोक ऑन हिम उस बच्चे पे जोक या उसका मजाक उड़ाओ, या थर्ड इज काउंसिल हिम नॉट टू वियर सच क्लोथ्स इन क्लास, उस बच्चे को काउंसिल करोगे और उसे कहोगे कि ऐसी ड्रेसेस क्लास के अंदर ना पहने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज, जो थिंकिंग होता है उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, तो वो होते हैं सिंबल्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, जो एक इफेक्टिव टीचर होती है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है, डीप नॉलेज अबाउट द थॉट्स, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, गुड रिपोर्ट विद स्टूडेंट्स या गुड मोटिवेटर। तो इन जो चार ऑप्शन के हिसाब में से हमें सबसे बेस्ट वो है कि एक टीचर एक गुड मोटिवेटर होना चाहिए और बच्चे को बीच बीच में मोटिवेट करता रहे ताकि बच्चे अपनी लिमिट से थोड़ा एक्स्ट्रा ही अचीव करें। नेक्स्ट इज अ गर्ल स्टूडेंट शो टैलेंट एंड इंटरेस्ट इन साइंस बट हर पेरेंट्स आर पुशिंग हर टू टेक ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, व्हाट एडवाइस वुड यू सजेस्ट टू द गर्ल। एक लड़की है जो कि जिसका इंटरेस्ट साइंस में है पर उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे हैं कि आप आर्ट्स लो या ह्यूमैनिटीज़ लो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहोगे, तो आप उस लड़की को कहोगे कि वो अपने पेरेंट्स को लिसन करे तो नहीं, टू बी फोकस्ड ऑन हर फेवरेट सब्जेक्ट, क्या आप उसे कह दो कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर फोकस कर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा, तो ये भी नहीं हो सकता। टॉक टू हर पेरेंट्स एंड पॉइंट आउट हर टैलेंट, उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करो और उन्हें बताओ कि लड़की कितनी टैलेंटेड है, तो ये भी नहीं। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एंकरेज हर टू ट्राई फॉर स्कॉलरशिप, उस लड़की को एंकरेज करो कि वो स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करे, सो दैट शी कैन स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ हर इंटरेस्ट, ताकि वो जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है या जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है उसको उस पढ़ पाए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज, जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसका क्या साइन होता है, तो हमें दिख ही रहा है सीधा सीधा क्रिएटिविटी, क्रिएटिव बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होगी। मोस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट डेवलपमेंट इज़ ड्यू टू, ज़्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है वो मेनली होती है लार्जली टू द नेचर, नहीं लार्जली टू नर्चर, नो टू नेचर एंड नर्चर एक्टिंग सेपरेटली, जो नेचर और नर्चर है वो अलग अलग तरीके से काम करे, तो वो भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, दैट इज़ टू एन इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, जो नेचर और नर्चर के इंटरेक्शन के अंदर ही डेवलपमेंट एक बच्चे की होती है, ऐसा ही जो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इज फोरबेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वॉज हिज डेवलपमेंट ऑफ दी, इसमें पूछा है फोरबेल ने अब कौन सा स्कूल बनाया था या फिर कौन से स्कूल स्टार्ट करे थे, वो करे थे किंडरगार्टन, तो दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी इज इट्स फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग, दैट इज़ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज ऑन डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेज ऑन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
अफेक्टिव प्रोसेस इन डेवलपमेंट, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सेंटीज कैन बी टैकल्ड बाय, जो एब्सेंटीज्म होता है जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं तो उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उन्हें पनिशमेंट दे के, उन जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उन्हें स्वीट्स दे के, मिठाई दे के, या फिर पढ़ा के, तो और या फिर लास्ट ऑप्शन इज कॉन्टैक्टिंग टू द पेरेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करके, उन्हें बता के, उनसे डिस्कस करके, बच्चा नहीं आ रहा, इसके क्या सॉल्यूशन है, किस वजह से नहीं आ रहा, और उसको आप कैसे काउंसिल कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज इफ़ अ गर्ल चाइल्ड डज नॉट कॉर्नर टू द कम्स, यहाँ पे कम्स होगा, कम्स टू द स्कूल रेगुलरली यू विल, एक लड़की है जो कि स्कूल रेगुलर नहीं आ रही है तो वो नो, आप उस पर कोई ध्यान नहीं दोगे, उसका नाम काट दोगे, नहीं कम उसकी कंप्लेंट दोगे प्रिंसिपल के पास, ये भी नहीं हो सकता। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कि उसके जो पेरेंट्स वगैरह हैं आप उनसे मिलेंगे और उन्हें एंकरेज करें कि भाई अपनी जो गर्ल चाइल्ड है उसे आप स्कूल भेजें ताकि वो भी पढ़ लिख सकें।